नानी, क्रिएटिव लड़का इज कंसिस्टेंट नाउ। अबे तू पागल हो गया है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रो, ही इज पोस्टिंग अ वीडियो एवरी टू डेज। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। कभी 15-15 दिन अपलोड नहीं करेगा, कभी एक साथ इतनी करेगा। अब इसके बाद 15 दिन के लिए फिर गायब हो जाएगा। चल फिर प्ले कर वीडियो। एक तो यार इसके 100 के नहीं हो रहे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्रिएटिव लड़का चैनल पे। अपलोडिंग कंसिस्टेंटली। एक्चुअली बात यह है कि मेरे को 100 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी चाहिए, तो इसलिए जल्दी अपलोड करने पड़ रहे हैं। सो ये नॉर्मली मैं अपनी वीडियोस में कहता नहीं हूँ, क्योंकि ये काफी मेन स्ट्रीम चीज है, बट आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल एनीवेज, आज की वीडियो होने वाली है हर एक सेन फॉर्म के बारे में। तो इस वीडियो में मैं दो टीयर लिस्ट बनाऊंगा। एक टीयर लिस्ट जिसमें पावर कंपैरिजन होगा, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, इसमें आपको मजा आएगा। और दूसरी टीयर लिस्ट मेरे ओपिनियंस की, जिससे आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। लेकिन टीयर लिस्ट बनाने से पहले हम रिक्वायरमेंट्स को जान लेते हैं कि क्या चीज टीयर लिस्ट में इंक्लूड होगी और क्या चीज नहीं। तो हमारे पास चार चीजें हैं, जिनमें से दो ही कंसिडर होंगी इस टीयर लिस्ट में। पहली है कैनन, यानी कि जो ओरिजिनल स्टोरी का हिस्सा है और ओरिजिनल क्रिएटर ने उसे बनाया है। सेकेंड है नॉन कैनन, जिसमें आती है ऐसी मूवी जो ओरिजिनल क्रिएटर ने नहीं लिखी, या फिर कोई ऐसी सीरीज का हिस्सा है जो ओरिजिनल क्रिएटर ने नहीं बनाई, क्रिएटर बीइंग अकिरा टोरियामा है। फिर तीसरा आता है फैन मेड, यानी कि वो फॉर्म्स या वो स्टोरी जो फैंस के द्वारा बनाई गई है। जैसे मेरी ड्रैगन बॉल ट्रिपल टी में गोकू की नई फॉर्म थी, जो वो इसमें काउंट नहीं होगी, और ओमनी सुपर सैयन गॉड या ये सब जो चीजें होती है, एनिमे वॉर स्टफ, वो सब इसमें नहीं होगा। फिर चौथे नंबर पे सबसे वर्स्ट SDBH, SDBH की फॉर्म्स इसमें काउंट नहीं होगी, यानी सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की, दैट इज द फर्स्ट। तो कैनन और नॉन कैनन फॉर्म्स इस टीयर लिस्ट का हिस्सा होंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसलिए इतना टाइम लग गया, लेकिन फाइनली लेट्स गो। स्टार्टिंग ऑफ विथ पावर टीयर लिस्ट। तो ये टीयर लिस्ट बेस्ड होगी पावर के हिसाब से, यानी सबसे ऊपर जो होंगे वो सबसे ताकतवर हैं, सबसे नीचे जो होंगे वो सबसे कम ताकतवर हैं। तो एफ टीयर में आने वाला है सबसे पहला, ऑफ कोर्स सबसे लीस्ट ताकतवर, ओजारू फॉर्म। ऑफ कोर्स एक बंदर क्या ही कर लेगा। तो किंग कॉन्ग इज गोइंग इन एफ टीयर। ओजारू फैंस ऑफेंड मत होना, बट सॉरी। नेक्स्ट इज फॉल्स सुपर सैयन। तो फॉल्स सुपर सैयन एक ऐसी सुपर सैयन है जो यूजर सुपर सैयन में जाना चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी अलाउ नहीं करती। तो एक पावर बूस्ट जरूर मिलता है, लेकिन सुपर सैयन जितना तगड़ा नहीं। सो डेफिनेटली एफ टीयर। एंड यू नो व्हाट, ये सारी शुरू की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सारी एफ टीयर में जाने वाली हैं। तो मैं एक साथ मास एफ टीयर स्पैम करने वाला हूँ। कायोकेन सुपर सैयन, सुपर सैयन ग्रेड 2 जिसमें वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, सुपर सैयन ग्रेड 3 यानी एसेंडेड वो थोड़े और मोटे हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बेकार फॉर्म है। एंड या बस इतना ही है एफ टीयर लिस्ट, सबसे लीस्ट ताकतवर फॉर्म्स। लेट्स गो। सो सुपर सैयन 2 इज गोइंग टू ई टीयर अलॉन्ग विद सुपर सैयन 2 एसेंडेड, और साथ में सुपर सैयन कायोकेन वो मूवी वाली। देन देयर इज माजिन सुपर सैयन 2, डेफिनेटली डी टीयर, ये बहुत ही ज्यादा मस्त फॉर्म थी और बहुत ताकतवर। साथ में सुपर सैयन 3 जो है वो भी डी टीयर में जाना चाहिए। देन देयर इज स्पिरिट बॉम्ब सुपर सैयन 2 जो ट्रंक्स ने यूज करी थी ब्लैक गोकू आर्क में, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म थी, ये ए टीयर में जाएगी, इसने जमासू को हराया था। और दूसरी बात, इसमें पूरी अर्थ की ताकत थी गोकू और वेजिटा के साथ। सो नेक्स्ट इज इकारी। तो इकारी को मैं बी टीयर में डालना चाहूंगा, क्योंकि ये उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसने गोकू को अच्छी टक्कर दी थी गॉड फॉर्म में, लेकिन सुपर सैयन ब्लू के बाद उस पर भारी पड़ रहे थे, तो सुपर सैयन ब्लू से नीचे है वो, तो बी टीयर में डालना चाहूंगा मैं। ओ बाय द वे, आपको अगर नहीं पता कि इकारी फॉर्म कौन सी है, वो वही वाली फॉर्म है जो ब्रॉली ने यूज करी थी, ब्लैक हेयर बट गोल्डन आइज, बेसिकली सुपर सैयन 4 बट कैनन। नेक्स्ट इज गोल्डन ओजारू। तो गोल्डन ओजारू जो है वो नॉर्मल ओजारू का सुपर सैयन फॉर्म है, तो इसमें सुपर सैयन 4 जैसी ताकत होती है, बट स्पीड वगैरह कम होती है, सो इस डिसएडवांटेज की वजह से ये जाएगा डी टीयर में। नेक्स्ट है सुपर सैयन 4। सुपर सैयन 4 में स्पीड बढ़ जाती है, बट पावर गोल्डन ओजारू वाली रहती है, यानी कि गोल्डन ओजारू की ताकत आपकी ह्यूमन फॉर्म में और ज्यादा स्पीड के साथ, तो ये जाएगी सी टीयर। इतनी जल्दी कमेंट लिखने मत जाओ, मानता हूँ तुम्हारी फेवरेट है सुपर सैयन 4, पर थोड़ा सा रुको। देन देयर इज फुल पावर सुपर सैयन 4 जो कि नॉर्मल सुपर सैयन 4 से बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, ये जाएगी बी टीयर में जहाँ ये बिलोंग करती है इकारी के साथ। देन देयर इज बेबी सैयन। तो बेबी वेजिटा याद है, बेबी ने उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लिया था वेजिटा की, तो उसकी पावर बढ़ गई थी, तो ये पावरफुल है, बट ये फुल पावर सुपर सैयन 4 जितना पावरफुल नहीं है, तो ये भी जाएगा नॉर्मल सुपर सैयन 4 के साथ सी टीयर में।
ऑलराइट, प्रोग्रेस काफी मस्त लग रही है। देन देयर इज परफेक्टेड सुपर सैयन 2, ये जाएगी सी टियर में। ये वही सुपर सैयन 2 है जो वेजिटा ने इस्तेमाल करी थी बैटल ऑफ गॉड्स में, और बाय द वे ये सुपर सैयन 3 से पावरफुल है। और जो लोग कह रहे हैं कि परफेक्टेड सुपर सैयन 3 का क्या हुआ, सुपर सैयन 3 एक बहुत ही ज्यादा स्टेमिना खींचने वाली फॉर्म है, तो गोकू उसे ज्यादा यूज नहीं करता है, तो इस वजह से उसे परफेक्टेड करने का मौका ही नहीं मिला। और वेजिटा भी उसे कर सकता है बाय द वे, वेजिटा ने मांगा में ये खुद कहा था कि वो कर सकता है, बट ही डोंट वांट टू डू दैट। अब आते हैं लेजेंडरी सुपर सैयन और सुपर सैयन बर्सर्क के ऊपर। तो लेजेंडरी सुपर सैयन नॉन कैनन नाम है और सुपर सैयन बर्सर्क कैनन नाम है, और ये दोनों ही सुपर सैयन ब्लू को अच्छे से पेल सकती हैं, तो ये जाएंगी ए टियर में। अब आते हैं गॉड लेवल पे। सबसे पहली है बियॉन्ड गॉड। तो बियॉन्ड गॉड एक ऐसी फॉर्म है जिसमें बेस फॉर्म में ही हमारे पास गॉड की ताकत होती है, बट थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस के साथ। इट इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म, बट इट इज गोइंग इन बी टियर। नाउ सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन ब्लू, सुपर सैयन ब्लू परफेक्टेड और सुपर सैयन ब्लू कायोकेन ए टियर में जाएंगे। ओ, इट सीम्स लाइक कि हमने ए टियर को फुल कर दिया है, तो लेट्स गो टू एस टियर। सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वूमेन, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, परफेक्टेड मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, स्पिरिट कंट्रोल अल्ट्रा ईगो। स्पिरिट कंट्रोल अल्ट्रा ईगो, अल्ट्रा ईगो अति अहंकार। हाँ मुझे पता है, अगर तुम लोग मांगा नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारा यही रिएक्शन रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पिरिट कंट्रोल कोई फॉर्म नहीं है, इट्स अ टेक्निक। उसका करंट यूजर वेजिटा है। स्पिरिट कंट्रोल से बहुत सारी चीजें करी जा सकती है, जैसे कि इंस्टेंट ट्रांसमिशन, अपना साइज बड़ा छोटा करना, अपने क्लोन्स बनाना, या फिर किसी फ्यूजन या किसी जुड़ी हुई चीज को अलग करना। इट इज अ वेरी ओवर पावर्ड टेक्निक, तो इसे एस टियर में रखना ही पड़ेगा। और अल्ट्रा ईगो, अल्ट्रा ईगो एक्चुअली कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। तो अल्ट्रा ईगो एक फॉर्म है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स को अनलॉक करता है। इसका करंट यूजर वेजिटा है और ये परफेक्टेड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से थोड़ी सी कम है। सो दैट्स प्रीटी मच इट इस टियर लिस्ट के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय ओपिनियंस। अगर आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो आप वीडियो ऑलरेडी छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करके जाना और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आप अगर मेरे अच्छे मित्र हो और आगे वीडियो देखना चाहते हो, देन लेट्स कंटिन्यू। सो स्टार्टिंग ऑफ विद ओजारू। तो ओजारू इज अ कूल फॉर्म, मेरे को अच्छी लगती है, तो इट इज गोइंग इन ई टियर। देन फॉल्स सुपर सैयन, आई डोंट लाइक इट दैट मच, बट एफ टियर। कायोकेन नॉर्मल बेस फॉर्म पे एफ टियर। सुपर सैयन, इट इज गोइंग इन ए टियर, आई लाइक इट सो मच। देन सुपर सैयन 2, काफी लंबे टाइम तक यूज हुई थी ये फॉर्म, एस टियर। आई रियली लाइक टू ड्रॉ सुपर सैयन 2 गोकू, और सुपर सैयन 2 के काफी ज्यादा वेरियंट थे। देन सुपर सैयन 2 एसेंडेंट। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि एफ टियर के नीचे भी कोई जेड टियर बना दूं और उसमें उसे फेंक दूं? देन यस। योर विश इज माय कमांड। ब्रो क्या है ये? आई मीन माना कि कॉलीफ्लावर उसमें काइंड ऑफ थिक दिखते हैं, नॉट गोना लाई, बट नो, जेड टियर। देन देयर इज सुपर सैयन कायोकेन गोइंग इन टू एफ टियर। स्पिरिट बॉम्ब सुपर सैयन 2 इलीट ब्रो, एस टियर। और इससे मेरे को याद आया, पिछली वाली टियर लिस्ट में मैं सुपर सैयन रोज को इंक्लूड करना भूल गया, तो सुपर सैयन रोज जाएगा ए टियर में गाइस। I'm sorry editor. What should I do? I'm extremely stupid. Then there is perfected Super Saiyan 2. मुझे पसंद है बट उतने नहीं, तो बी टीयर। सुपर सैयन 3 ए टीयर, क्योंकि मेरे को पसंद है बट थोड़ी और यूज हो सकती थी, तो इसलिए। इकारी ए टीयर, काफी मस्त है। गोल्डन ओजारू डी टीयर, ओजारू से अच्छी है बट यू नो। सुपर सैयन 4 एंड फुल पावर सुपर सैयन, दोनों एस टीयर, मेरे को बहुत पसंद है। बेबी फॉर्म क्वेश्चनेबल, सी टियर। माजिन सुपर सैयन 2 एस टियर, लेट्स गो ब्रो। बियॉन्ड गॉड ए टियर। ए टियर इसलिए क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगता है बियॉन्ड गॉड का, लेकिन आई थिंक कि उसमें और चीजें ऐड करी जा सकती थी जिससे ये और कूल होती। ओ बाय द वे, अगर आपने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है, ये वाली टियर लिस्ट मेरी ओपिनियन की है और मैं कितना कूल मानता हूँ उन्हें उस पे है। सुपर सैयन गॉड एंड सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन, यानी सुपर सैयन ब्लू, दोनों एस टियर। सुपर सैयन रोज एस टियर, डेफिनेटली मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है रोज का कॉन्सेप्ट। मतलब रोज इसलिए बनी थी क्योंकि वो प्योर गॉड की से बनी थी। गोकू और वेजिटा मोर्टल हैं, इस वजह से उनकी जो गॉड की है वो एकदम प्योर नहीं थी, तो इस वजह से। परफेक्टेड सुपर सैयन ब्लू बी टियर, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ओवर यूज हो गई थी, हर चीज में सुपर सैयन ब्लू यूज हो रही थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पक गया था। लेजेंडरी सुपर सैयन या फिर सुपर सैयन बर्सर्क, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस फॉर्म, बट आई वुड गिव इट अ बी। सुपर सैयन ब्लू कायोकेन ए टियर,
सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन एस टीयर डेफिनेटली। मैंने उसकी ज्यादा आर्ट्स नहीं बनाई हैं, बट जब भी बनाई हैं बहुत मजा आया है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन, लुक मैं इसे एस टीयर देता बट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ज्यादा कूल लगती है, इसलिए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन ए टीयर एंड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड परफेक्टेड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एस टीयर। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से याद है मैंने एक बहुत ही पुरानी वीडियो में एक जोक मारा था कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होते हैं। या आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरा जो डॉग है बर्फी वो भी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। सो बर्फी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जाएगा एस से भी ऊपर वाले टीयर में, यानी कि लेट्स नेम इट डायमंड टीयर। देन देर इज स्पिरिट कंट्रोल, मैं इसे भी एस टीयर देता बट लुक्स में कुछ इतना बड़ा चेंज नहीं आता तो ए टीयर। एंड देन अल्ट्रा ईगो को मैं दूंगा एस टीयर। एंड दैट्स इट फॉर द टीयर लिस्ट। मैं बहुत थक गया इस वीडियो को बना के, वॉइस ओवर वाली 10-10 मिनट की वीडियोस बहुत पहले बनाया करता था एंड अब तो फेस कैम बनाता हूँ इतनी लंबी। सो या दैट वॉज द वीडियो। अगर आप अपनी टीयर लिस्ट बना के मेरे को दिखाना चाहते हैं तो आप कमेंट में बना सकते हैं एस ए बी सी डी ई एफ और उसके आगे अपने फॉर्म का नाम लिख दीजिए जोन से भी आप टीयर लिस्ट रेट करना चाहते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यू कैन ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड। उस डिस्कॉर्ड से रिलेटेड भी रायन और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये कुछ इंडियन एनिमे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने अपनी आर्ट शोकेस करी है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जिसकी वजह से मैं इन्हें फीचर कर पा रहा हूं। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपकी आर्ट्स कुछ इस तरीके से फीचर हो तो मेरे डिस्कॉर्ड पे जाइए और आर्ट शोकेस में पोस्ट कर दीजिए। आई विल स्क्रॉल थ्रू द आर्ट शोकेस एंड आई विल गिव देम React. See ya.